हे गाइस आई है गाइज अमारे नाम अ सर्टिफाइड फिटनेस एंड पर्सनल ट्रेनर गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में थायराइड क्या है ये कितने टाइप का होता है इसके क्या क्या कॉजेज़ एंड सिम्टम्स है पर गाइस आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए एंड आप लोग बिना मिस करे देख पाएंगे मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज़ एंड गाइज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होती है आपके गले के बीच में हमारी बॉडी में बहुत सी ग्लैंड्स है थायराइड उन्हीं में से एक है ये ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन्स को रिलीज करती है एंड ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं बॉडी टेंपरेचर मेटाबॉलिज्म एंड हार्ट रेट को T3 एंड T4 हार्मोन्स टिश्यूज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड बॉडी सेल्स की हेल्प करते हैं एंड ऑक्सीजन को एनर्जी में बदलने में यदि ग्लैंड T3 एंड हार्मो को सही अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करेगी तो बॉडी के नेचुरल फंक्शंस फंक्शन हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को प्रोड्यूस करती है TSH होता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो T3 थ्री एंड टी फोर को कंट्रोल करता है थायरॉय टू टाइप्स के होते हैं हाइपोथायर एंड हाइपर थायरॉयडिज्म हाइपोथर में क्या होता है बेसिकली जो ग्लैंड है वो T3 एंड थार हार्मोस को कम प्रोड्यूस करती है एंड यहाँ पे टी का अमाउंट बढ़ जाता है में इसका होता है ग्लैंड T3 एंड को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एंड टी का अमाउंट कम हो जाता है हाइपोथर होने का मेन कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है जब इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करती है एंड इस प्रोसेस में कभी कभार थाइरॉयड ग्लैंड भी शामिल होती है जब थाइरायड ग्लैंड T3 थ्री एंड टी फोर हार्मोन्स को ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है तो ऐसे में हाइपर की प्रॉब्लम हो जाती है हाइपर ट्रीटमेंट का मेन पर्पज है जो बड़े हुए हार्मोन्स का लेवल है थायरॉयड ग्लैंड में T3 थ्री एंड टी का उस लेवल को कम करना या फिर नॉर्मल करना पर कभी कभी ये जो लेवल होता है यह बिल्कुल ही कम हो जाता है जिससे कि हाइपोथायरज की प्रॉब्लम हो जाती है एंड यह अक्सर देखा जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद हार्ट प्रॉब्लम साइकेट्रिक कंडीशन एंड कैंसर को ठीक करने की दवाइयां भी थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम करती है यदि डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो भी हाइपोथायरडिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि थायराइड ग्लैंड को जरूरत होती है आयोडीन की टी थ्री एंड टी फोर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो खुद आयोडीन को प्रोड्यूस नहीं करती है इसलिए हम आयोडीन को फूड से लेते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स एग सॉल्ट एक्सेट्रा यदि आपको हाइपोथाइरडिज्म है तो आपको ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में चेंज आना कॉन्स्टिपेशन डिप्रेशन ड्राई हेयर हेयर लॉस ड्राई स्किन फटीक स्लो हार्ट रेट का होना सडनली वजन का बढ़ना एंड थाइरायड ग्लैंड में सूजन आना अब हम बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से हाइपर थारोडिज्म होता है ग्रेव डिजीज एक्सेसिव इंटेक ऑफ थायरॉयड हॉमोन्स एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ टी एस एच एक्सेसिव आयोडीन इंटेक एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द थारॉयड ग्लैंड यदि आपको हाइपर थारिज्म है तो ये ये सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेगी जैसे कि रेस्टलेसनेस एंजाइटी ट्रिमर वेट लॉस इंक्रीज एपिटाइट स्वेटिंग रैपिड हार्ट रेट इंटॉलरेंस टू तो हीट फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स एंड हेयर लॉस सो गाइस ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि थायराइड क्या होता है कितने टाइप का होता है क्या क्या इसके कॉजेज़ एंड सिम्टम्स हैं जिन भी लोगों को हाइपर थायराइडिज्म या फिर हाइपोथायरिज़म है यानी जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आने वाली मेरी और भी वीडियोस में आप देख पाओगे कि आपको कौन कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए किस टाइप का वर्कआउट करना चाहिए आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो आपकी प्रॉब्लम हुई हुई है ये ठीक हो जाए गाइज अभी फिलहाल मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बेसिकली स्पेशल पॉपुलेशन केसेस पे कर रहा हूँ साथ ही साथ होम वर्कआउट वीडियो सीरीज भी मेरी बनती जा रही है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा यदि आप वर्कआउट करना चाहते हो यदि आपको हाइपर थारडिज्म है या फिर हाइपोथाइडजम है दोनों ही केसेस में देखिए वर्कआउट तो जरूरी है तो आप घर पर रह के ही अभी वर्कआउट कर सकते हैं तो आप मेरी उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा गाइज़ यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सअप फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट पे। यदि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट्स के जरिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो सो थैंक यू गाइज बाय टेक केयर